मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गढ़ि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्य करोति किं परवावश्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां अज्ञान्तिमिरांधानां ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येने तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। शुरुआत के क्वेश्चन आंसर बहुत सरल हैं और मैं उनको और सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आगे अपना जैसा विषय बढ़ेगा थोड़ी सी हमारे इस जिनागम की गंभीरता भी बढ़ते जाएगी। थोड़े थोड़े ऐसे शब्द आएंगे कि जो आपको पढ़ के थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन अपन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनको भी अपन बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, क्योंकि यह स्वाध्याय एक पक्ष से नहीं हो रहा है, दोनों पक्ष से हो रहा है। मैं भी अपना स्वाध्याय कर रहा हूं और आप भी अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जैसा मैं विषय को समझने की कोशिश कर रहा हूं वैसा आप लोग भी समझने की कोशिश करें। तो कल हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण होते हैं। तो सभी ने याद किया था कि जीव द्रव्य में चेतन, ज्ञान दर्शन, सम्यक्त, चारित्र, सुख और क्रियावती शक्ति इत्यादि विशेष गुण होते हैं, और पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि विशेष गुण होते हैं, और धर्म द्रव्य में गति, हेतुत्व इत्यादि विशेष गुण होते हैं, अधर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व इत्यादि विशेष गुण होते हैं, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व आदि विशेष गुण होते हैं, और काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व आदि विशेष गुण होते हैं। विशेष गुण यो कि जो इन मात्र छह द्रव्यों में ही पाए जाएं, इस अपने अपने में ही पाए जाएं, किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाएं। सामान्य अपेक्षा से तो सारे द्रव्य कह दिए, मतलब अगर जो पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है वो जीव द्रव्य में नहीं होगा, और जो धर्म का है वो अधर्म में नहीं होगा, आकाश का जो है वो काल में नहीं होगा। इसलिए इन छह द्रव्यों के नाम लेकर उनके विशेष गुण यहां पर बताए। कल अपन ने दोनों जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की चर्चा बहुत विस्तृत रूप से की थी, तो आज हमारे लिए जीव द्रव्य किसे कहते हैं ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था। पढ़ते हैं 17वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन शक्ति है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करना है और हमें मोक्ष के लिए जाना है, और हमारा मोक्ष का साधन अपने एक निज स्वभाव साधन के द्वारा निज परिणति में प्रति समय जब अपने स्वभाव का ध्यान रहेगा उससे जो निर्विकल्प पर्याय प्राप्त होगी उसका नाम मोक्ष है। उसी को हम ज्ञानानंद स्वभावी बोलते हैं, उसी को हम ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, उसी को निज स्वभाव बोलते हैं, उसी को चैतन्य बोलते हैं, उसी को ध्रुव बोलते हैं, उसी को परिपूर्ण आनंद बोलते हैं। इतने सब उसके पर्यायवाची हैं। हमारी बात है पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये विशेष गुण होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं, है ना। इसकी बहुत ही सिंपल सरल भाषा यह है कि जिस भी पदार्थों से हमें पुद्गल नेत्र से, स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से जानने में आता है वह सारा क्या है, पुद्गल। क्या है वो सारा, पुद्गल। किस किस से जानने में आता है, नेत्र से, स्पर्शन, रस से, घ्राण से, चक्षु से और कर्ण से,
मैंने ये भी बताया था कि जो शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं ये भी पुद्गल ही है। अभी आगे आएगा, समझेंगे उसके लिए। तो बता रहे कि जो भी हम इन पांच इंद्रियों के माध्यम से जिस भी द्रव्य का हम विषय ग्रहण करते हैं उसको हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। आपको एक बात पता होगी कि हमारा जो भगवान आत्मा है, जो जीव द्रव्य है, वो इंद्रिय और मन के निमित्त से नहीं होता, ठीक है ना? किससे नहीं होता? इंद्रिय मन के निमित्त से नहीं होता, अतेंद्रिय मन के निमित्त से अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के चिंतवन से होता है। तो इसमें इंद्रिया निमित्त नहीं है। और ये बताओ कि हम 24 घंटे स्वाध्याय, 24 घंटे जिन भक्ति पूजन, 24 घंटे मंदिर में स्वाध्याय, हर प्रकार से जिन धर्म की क्रिया करें तो क्या हमें भगवान आत्मा मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि पांच इंद्रियों के विषय के भोगों से, शब्द से, हर कुछ से हमें क्या मिलेगा? केवल द्रव्य की प्रतीति होगी। लेकिन क्या हम छोड़ दें? क्या हम चैत्यालयाना छोड़ दें? क्या हम स्वाध्याय करना बंद कर दें? नहीं। देखो क्या है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम जन्म से मति श्रुति ज्ञान के धारी हैं, और जो मति और श्रुति ज्ञान है वो पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अब ये बताओ, ये तो हम खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमें जन्मजात मिला हुआ है ना, वो तो जन्मजात मिला हुआ है। अगर हम इनका घात करेंगे तो हमारे लिए सोसाइटी का कलंक लग जाएगा, और वो तो सबसे बड़ा पाप है। तो ये तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करें? जानना है अतेंद्रिय आनंद और है इंद्रिय। आई बात समझ में? क्या प्राप्त करना है अपने लिए? अतेंद्रिय आनंद प्राप्त करना है, और हम जान देख रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से। तो देखो, प्रत्येक समय प्रति क्षण इंद्रियों से जाने हुए पदार्थ में अपनी वेद विज्ञान की रुचि डालकर ये इंद्रियां और इंद्रिय के विषय मेरे आत्म स्वभाव के साधन नहीं है, ऐसा अपने अंतरंग में जब आप वेद विज्ञान की दृष्टि लाओगे तो आपके शांत परिणाम रहेंगे। क्या रहेंगे? शांत परिणाम रहेंगे। और शांत परिणाम से क्या होता है, अपन ने योगसार में पढ़ा है, परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है, इसलिए है बुद्धि जन परिणाम को संभाल ले। क्या? कि परिणाम से ही बंध होता है और परिणाम से ही मोक्ष होता है। तो अगर हम अपने परिणाम विस्तृत रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, कषाय पूर्ण नहीं रखेंगे, तो जो अतेंद्रिय आनंद का सुख है वो एक ना एक दिन हमें उस पर्याय में प्राप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। इसलिए हमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होने पर, इंद्रियां मन निमित्त होने पर हमें दुखी नहीं होना है। अब दूसरी बात, एक पैराग्राफ यहां पर पुस्तक के सबसे नीचे लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ता हूं। जीव और पुद्गल, जो ऊपर जो क्रियावती शक्ति जो शब्द आया था उसका अर्थ है, जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है। नित्य मतलब उस शक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। कैसा? अगर कोई हमारे हाथ पैर काट के भी रख दे और हमें अपाहिज भी कर दे तो हमारा चलना, बोलना, हंसना ये हमसे छीन नहीं सकता। ऐसे ही जीव और पुद्गलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ये कोई छीन नहीं सकता। तो क्या कहा? जीव और पुद्गल में क्रियावक्ति शक्ति नाम का गुण नित्य है, इसके कारण अपनी अपनी योग्यता अनुसार, जीव अपनी योग्यता अनुसार और पुद्गल अपनी योग्यता अनुसार, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, यह पुद्गल के साथ जीव इस प्रदेश में विराजमान है, दोनों एक साथ रहते हुए भी जीव अलग है और पुद्गल अलग है, तो उसके कारण अपनी अपनी योग्यता, जीव की अपनी योग्यता है, पुद्गल की अपनी योग्यता है, ठीक है ना? क्यों? कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं और हमारा शरीर काम नहीं करता, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा तो ये मन कहता है कि मैं शिखर जी की वंदना करके आऊं, लेकिन शरीर क्या कहता है? नहीं, आपके शरीर में हिम्मत नहीं है। हमें ऐसा दिखाई देता ना, एक अचरजपना दिखाई देता है कि इस आत्मा को इस शरीर ने बांध रखा है,
या इस शरीर को आत्मा ने बांध रखा है, इसलिए मेरे पे ये काम करते नहीं बन रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जीव की क्रियावती शक्ति अलग है और पुद्गल की क्रियावती शक्ति अलग है। अब ऐसा निमित्त नैमित्त कारण होता है कि मैंने हाथ उठाया और यह हाथ उठाया इस समय इस पुद्गल की क्रियावती शक्ति में इस हाथ हिलने का उदय ऐसा आया था कि ये इस प्रदेश से इस प्रदेश में जाने थे, और उसी समय इस आत्मा की उदय ऐसा आया था कि उसका भी इस प्रदेश से इस प्रदेश में जाना होता था। आत्मा ने शरीर को नहीं हिलाया और शरीर ने आत्मा को नहीं हिलाया, दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति के हिसाब से हिलते डुलते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले तो ये मिथ्या मान्यता निकालनी है कि मैं जा सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं। आई बात समझ में? तो देखो, उसके कारण अपनी अपनी योग्यता अनुसार कभी क्षेत्रांतर रूप पर्याय होती है, कभी स्थिर रहने रूप पर्याय होती है कि जब बैठे हुए तो स्थिर है। कोई द्रव्य, जीव और पुद्गल एक दूसरे को गमन या स्थिर नहीं करा सकते। क्या कह रहे हैं बाबूजी? जब यह शरीर छूट जाता है तो आत्मा चला जाता है कि नहीं? अगर उसको आत्मा को शरीर का गुण माने तो इसकी तो कभी मृत्यु ही ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये बताओ, वह आत्मा एक सेकंड भी, रंच मात्र भी, एक अंश मात्र भी वो शरीर से राग करता है छोड़ने में, वियोग करने में, उसको जाने में? थोड़ी सी तो खींचकर दरवाजे तक ले जाता होगा, कभी देखा है? नहीं देखा ना। अरे तुम्हारा 70 साल 80 साल वर्ष जो आत्मा तुम्हारे शरीर में रह के, वह आत्मा शरीर रूप नहीं हुआ तो तुम्हारे तुम और तुम्हारे सगे संबंधी वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? बताओ, कितना खिलाया पिलाया शरीर को, कितना मांजा, कितना धुलाया, कितने प्रकार के तेल क्रीम पाउडर लगाए, कितनी प्रकार की सुख सुविधाएं, गद्दे पल्ली रजाई, कितने प्रकार के साड़ियां सूट, कितने प्रकार के गहने, कितने प्रकार के महंगे महंगे डॉक्टरों के इलाज दिए, फिर भी क्या वो बचा है? वो वहीं पड़ा रहा और जीव चला गया और जाते जाते हंसौर गया कि देखो इसको मांज रहे थे, इसको पोष रहे थे, है? मैं इसका नहीं हुआ तो ये तुम्हारे शरीर और तुम्हारे शरीर के संबंधी पदार्थ इसके कैसे हो सकते हैं? इसलिए जीव की क्रियावती शक्ति स्वतंत्र और पुद्गल की क्रियावती शक्ति स्वतंत्र, एक दूसरे को गमन या स्थिर नहीं करा सकते। दोनों द्रव्य अपनी अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता के अनुसार स्वतः गमन करते हैं या स्थिर होते हैं। देखो, अभी तक तो कल मैं कह रहा था कि मैं गाड़ी से चैत्यालय आया, आज तो हमारे जिन प्रभु ने यह कह दिया कि तुम अपने शरीर को भी चैत्यालय नहीं लेके आए हैं, तो बताओ अब कौन सा भार रहा मेरे पास? कोई भार रहा? कोई काम रहा? कुछ करने लायक रहा? मतलब ये कह दिया कि तुम्हारा शरीर भी तुम परिणमाने के कायम नहीं हो और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल अपनी परिणति से यहाँ आया है और आत्मा अपनी परिणति से जीव यहाँ बैठा है, तुम उसके कर्ता धर्ता नहीं हो। ऐसा संयोग बन जाता है निमित्त नैमित्त कि दोनों काम एक साथ होते हुए दिखाई देते हैं, तो यह मिथ्या मान्यता ऐसी पड़ जाती है कि मैंने लेके आया, मैं अपने शरीर को लेके आया। हाँ 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 तो ये लगता है ना उसको मिथ्या भ्रांति होती है। अच्छा ये बताओ, मुनिराज के लिए जिन मंदिर नहीं होता है, जिन मंदिर नहीं होता है, भावलिंगी मुनिराज हमारे जब जंगल में विचरण करते हैं तो जिन प्रभु नहीं रहते हैं, जिन वाणी नहीं रहती है, तो क्या वो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते? क्या वो जिन प्रभु के दर्शन नहीं करते? क्या उनको भगवान के दर्शन करने के भाव नहीं होते? देखो, भाव होते हैं और दर्शन भी करने के आते हैं, लेकिन शरीर के साथ जाके नहीं, अंतरंग में अपने बैठ के जिन प्रभु का दर्शन करते हैं। हम शिखर जी की बात करते हैं तो भावों की बात पहले क्यों करते हैं कि भाव सहित बंदे जो कोई, कि ऐसे तो हम अनंतों बार नवीय ग्रीवीय तक भी चले गए तब कुछ नहीं कर पाए, ये तो शिखर जी जाने की वाली बात है ना।
तो जो एक बार भाव से बंधन करता है, तो याद रखना कि हमारी परिणति मूल है। क्या मूल है हमारी? परिणति। आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो? अगर आपका प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है तो आपकी चर्या काया आपकी निर्मल निर्मल प्रकार से परिणति होगी, और अगर आप संसार मार्ग चाहते हो तो केवल संसार के साधनों पर ही आपकी परिणति सीमित होगी। ये बात है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, पुद्गल के कितने भेद हैं, है ना? देखो ये क्वेश्चन कैसे उठा बाबू जी, हमने एक चीज पढ़ा था, विश्व किसे कहते हैं, ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं, हाँ। अब जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, आई बात समझ में? तो आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि जो द्रव्य है वह द्रव्य हमें संसार में दिखाई देते हैं, है ना? और मैंने एक चीज और कही थी कि जितना भी तुम्हें ये संसार में दिखाई दे रहा है ये द्रव्य की पर्याय है। क्या है ये? पर्याय है। क्या है? पर्याय। क्योंकि उसका परिणमन करना स्वभाव है, उसका बदलना स्वभाव, उसकी पर्याय निरंतर बदलती रहती है। मैंने ये आपसे एक बात कही थी, है ना? अब ये बताओ कि संसार के जितने भी द्रव्य आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य है कि जीव द्रव्य? कौन से द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। कौन से द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, ठीक है ना? अब एक बात याद ये रखना कि यहां पर पुद्गल के दो भेद हैं, एक परमाणु और एक स्कंध, ठीक है? अब आइए, ये मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है, मुझे ये बताइए कि ये मोबाइल कितनी चीजों से बना है, बताइए कितनी चीजें? डिस्प्ले है, बैक ग्लास है, कवर चढ़ा हुआ है, अंदर प्लेट लगी हुई है, प्लेट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आईसी लगी हुई है, और जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रीशियन आइटम रहते हैं इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। और उसका एक ये पूरा बना हुआ पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने इसका क्या नाम रख दिया? मोबाइल। अब मैं बाबू जी आपसे ये कहूं कि खाली इसकी एक डिस्प्ले या बैटरी आपको हाथ में दे दूं और मैं ये कहूं ये मोबाइल है, तो आप क्या कहोगे? ये मोबाइल नहीं है। या मैं इसका चार्जर पिन दे दूं, आपके लिए चार्जर दे दूं और ये कहूं कि ये मोबाइल है, तो क्या आप मान जाओगे? नहीं मानोगे। क्यों? अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपको चार्जर दिया, मैंने आपको पिन दी, फिर मैं आपको यहां इसकी डिस्प्ले लेके आया, फिर मैं बैटरी लेके आया, फिर मैं बैक कवर लेके आया, फिर उसके बाद बहुत सारे रेजिस्टेंस मैंने एक एक करके आपको दे दिए और कह दिया कि जाओ अपनी बेटी से फोन पर बात कर लो, बताओ कर पाओगे क्या? तो ये क्या है? जितने भी मैंने आइटम बोले उन सब का ये क्या है? क्या है ये? स्कंद। क्या है ये? स्कंद। उसका ये ठोस एक बना हुआ गोला है, गोले को बोलते हैं क्या? स्कंद। देखो क्या होता है, इस संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वह सारी स्कंद रूप पर्याय है। कौन सी पर्याय है? स्कंद रूप। कैसे? अब ये चैत्यालय बना तो मुझे बताओ इस चैत्यालय में क्या क्या लगा हुआ है बनने में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लोहा, पांचवा रेत, छठवां मिट्टी, सातवां लाइट, आठवां कलर, नौवां पेंट। कितने प्रकार के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? अच्छा अब मैं कहूं कि जाके लाइट के दर्शन करके आओ, तो क्या आप चैत्यालय के दर्शन करने आ जाओगे? मैं आपसे ये कहूं कि जाओ रेत के दर्शन करके आओ, तो क्या आप चैत्यालय के दर्शन करके चले जाओगे? बताओ क्यों? ऐसा क्यों? अगर मैंने ये चैत्यालय आपसे बोला कि चैत्यालय के दर्शन करके आओ, तो बताओ उस चैत्यालय में जिनवाणी, रेत, मिट्टी, लोहा, कंकड़, पत्थर, सीमेंट सब आ गए कि नहीं? बताओ सब आ गए कि नहीं? सब आ गए, माइक, टेबल, चादर, जिनवाणी, पुस्तक, सब कुछ भी अधूरा नहीं रहा। आई बात समझ में? तो ये क्या है? यह इन परमाणुओं का, ये सब का क्या है? ये स्कंद है। आई बात समझ में? क्या है ये? स्कंद। तो हमें संसार में जितने भी द्रव्य दिखाई देते हैं ये सभी स्कंद रूप में दिखाई देते हैं। कैसे? स्कंद एक रूप में दिखाई देते हैं, एक रूप में दिखाई देते हैं। फिर हम उसका नाम दे देते हैं, क्या? कि ये पुस्तक है। ये पुस्तक किससे बनी?
ये किससे बनी? लकड़ी से बनी है। इसके अंदर गम भी लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स भी लगे हुए हैं, और उसकी एक रूप पर्याय ये स्कंद के रूप में ये सिद्धांत प्रवेशिका के मेरे सामने नजर आ गई। तो अब आप इसको क्या बोलोगे? सिद्धांत प्रवेशिका। आप क्या बोलोगे? पुस्तक। अब ये नहीं बोलोगे कि ये पहले रुई थी फिर लकड़ी थी, हा? लकड़ी के बाद फिर वो। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? हा? सुना है आपने कहीं ये डायलॉग? ये डायलॉग सुना है? एडवर्टाइजमेंट में बहुत आता है, जब वो अपनी बुक्स लाने के लिए वो फिल्मी हीरो जब वो अपने टीचर से कुछ मांगता है तो वो क्या कहता है? फलाना ढिमका बोलते 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 थक जाता है, टीचर को समझ में नहीं आती। तो वो क्या बोलता है? एक एक की परिभाषा करके बोलता है। कैसे कैसे बोलता है? पहले मिट्टी हुई, मिट्टी के बाद लकड़ी हुई, लकड़ी में से रुई निकली, रुई से कपड़ा बना, कपड़े से हमने उसको अखबार बनाया, अखबार करके प्रिंट करके फिर मैंने उस पर अक्षर लिखे, अक्षर में जैन सिद्धांत था, जैन सिद्धांत में करके बुलंदशहर से पुस्तक छपी, पुस्तक छप के फिर ये सामने आई। तो टीचर क्या कहता? अरे भाई कहना क्या चाहते हो? पुस्तक। क्या चाहते? पुस्तक। तो सीधे से नहीं कह सकते थे? तो मैं पहले यही तो कह रहा था। क्या कहने का आंसर समझ में आया मेरा? कि हम जितने भी संसार में जितने भी प्रकार के द्रव्य देखते हैं वह सभी परमाणुओं के स्कंद है। क्या है? स्कंद, एक रूप है, इसलिए हम देखते हैं। अब अगर हम बात कहें परमाणु की, तो परमाणु कौन जानता है? आपने नाम सुना परमाणु, टीवी तो देखते होंगे, है? देखते हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया, अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, भारत के भी पास परमाणु बम है। वही परमाणु नहीं सुना आपने? क्या है वो परमाणु? अच्छा, वो परमाणु क्या है और हमारे जिनागम का परमाणु क्या है? हाँ, देखो जो परमाणु साइंटिस्ट लोग कहते हैं वास्तव में वो परमाणु नहीं है, वो भी एक स्कंद है। क्या है वो? भी बहुत सारे अनंत अनंत परमाणुओं का एक स्कंद है, जिसको हमारी साइंस परमाणु कहती है। और हमारा जिनागम इतना लिवियोरिटी में ट्रस्टेड है कि यहां पर किसी भी यंत्र तंत्र और साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल आप तो वचन ही ये कह देते हैं कि परमाणु उस चीज को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो सके। क्या कहते हैं? जिसका कोई खंड ना हो सके। कैसे? हम खेत गए और एक मिट्टी की डली लेके आए। अब मैंने अभिजीत से कहा, अभिजीत इसको तोड़ो और मुझे इसका एक इतना छोटा अंश दो कि जिसका एक दूसरा भी विभाजन ना हो सके। तो आप क्या करोगे? तोड़ोगे और तोड़ के मुझे एक इतना सा कण दे दोगे। फिर मैं उस पर क्या करूंगा? मैं उसको ऐसे मसल दूंगा, फिर उसके कण हो जाएंगे। बताओ आप, तो वो परमाणु कहां है? देखो परमाणु वास्तव में वो परमाणु है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। बाबूजी क्या कह रहा हूं? परमाणु हमारे जनागम में इतना सूक्ष्म है कि हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। और जितना भी ये परमाणुओं का जो स्कंद जो बंद दिखाई दे रहा है, एक रूप पर्याय दिखाई दे रही है, ये सब हमें आंखों से दिखाई देती है। तो मुझे ये बताओ कि जब उतनी सी मिट्टी के डेले में अनंत परमाणु हैं, तो इस पुस्तक में कितने परमाणु होंगे? इसमें कितने परमाणु होंगे? इस टेबल में कितने परमाणु होंगे? इस चैत्यालय में कितने परमाणु होंगे? जोर से चलो ये बताओ, हमारे शरीर में कितने परमाणु होंगे? कितने? अनंत परमाणु होंगे। मतलब हमारा शरीर जो एक रूप आपको एक दिखाई देता है, वास्तव में यह पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्कंद है। क्या है? पिंड, स्कंद, एक रूप है, बिल्कुल एक रूप, और ऐसा जुड़ा हुआ सटीक कि हमें एक रूप दिखाई देता है। जैसे मटका है, मटके के अंदर जब कुमार मिट्टी लाता है, कुमार मिट्टी को गलाता है, उसको सुखाता है, फिर उसका बहुत बारीक चूर्ण बनाता है पाउडर की तरह, और फिर उसमें पानी मिला के एक घड़े रूप में दे देता है। तो बताओ जो परमाणु उसके पाउडर के रूप में थे वो मटके के रूप में आ गए कि नहीं? और कितने परमाणु आए? कितने?
अनंत परमाणु। तो ये बताओ जो इस ये मोबाइल के अंदर जो प्लेट है और प्लेट के अंदर जो एक रेजिस्टेंस लगा है वह परमाणु है कि स्कंद? सब स्कंद है, उतने से छोटे से छोटे छोटे से छोटे छोटे से छोटे मात्र की भी परमाणुओं का क्या है? स्कंद है। क्या है? स्कंद है। और कोई छोटे स्कंद रूप अपना कार्य करते हैं तो हमें छोटे से दिखाई देते हैं, और कोई बड़े हाथी की तरह विशाल शरीर लेके आ जाते हैं, वो भी परमाणुओं का स्कंद है, वो ज्यादा परमाणु। देखो आई बात समझ में? तो इस पुद्गल के दो प्रकार के भेद हैं, परमाणु और स्कंद। क्यों? अगर परमाणु मात्र परमाणु रहेगा तो हम द्रव्य की पहचान करने में असमर्थ हो जाएंगे, और जब द्रव्य की पहचान करने में असमर्थ हो जाएंगे तो विश्व का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि ये जो विश्व है वो भी अनंत परमाणुओं का स्कंद है, पिंड है। आई बात समझ में? जो विश्व क्या है? अनंत परमाणुओं का पिंड है। इसलिए पुद्गल के दो भेद, परमाणु और स्कंद। अभी इसके और भेद आएंगे, अभी बताएंगे। अभी तो इतना समझो कि जितना भी संसार में द्रव्य जो हमें आंखों से दिखाई देता है वह एक स्कंद है, मतलब सबकी मिली जुली सरकार है, अपना अलग अलग नहीं है। अब एक चीज और मैं आपके लिए बताऊं, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता, और दूसरा परमाणु तीसरे परमाणु रूप नहीं होता, और चौथा परमाणु अनंत रूप नहीं होता। एक परमाणु स्वतंत्र अपने में परिपूर्ण द्रव्य है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? हैं? स्वद्रव्य, स्वगुण, अपने आप को लिए हुए परिपूर्ण है। जैसे कि एक मोबाइल में इतने सारे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के अंदर एक एक के अंदर अनंत परमाणु अपना काम ईमानदारी से अपना ही कर रहे हैं, तब जाके ये स्कंद रूप मोबाइल काम कर रहा है। अगर एक दूसरे का काम करने लगे तो सब ठप हो जाए, सब स्वाहा हो जाए, मोबाइल ही नहीं हो। आई बात समझ में? तो क्या कहा कि जब हम कहते हैं ना कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और पर्याय के गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं, तो जो गुण की बात आई, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो एक गुण के अंदर विराजमान अनंत परमाणु भी एक दूसरे के रूप नहीं होते। मकान में रेत अपना काम करती है, और रेत का एक एक कण, और अभिजीत वो जो एक कण है ना वो भी स्कंद है, उसके अंदर भी अनंत परमाणु विराजमान है, वो भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तब जाके वो एक रेत का कण स्थिर रहता है। और जब वो एक रेत का कण स्थिर रहता है तो सारे कण स्थिर रहते हैं, और सारे कण जब अपना काम कर्तव्य नीति से करते हैं तो ये चैत्यालय खड़ा होता है। आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? जीव द्रव्य की एक एक कण की, एक एक पर्याय की, एक एक परमाणुओं की स्वाधीनता बता रहा हूं मैं, स्वतंत्रता बता रहा हूं। कैसी स्वतंत्रता बता रहा हूं? कि प्रत्येक स्वाधीन है कण, और प्रत्येक कण स्वतंत्र है। हम अपने आप को घर परिवार से बंधा हुआ मानते हैं, जबकि ये बताओ हम बंधे हैं क्या? बंधे हैं क्या? लेकिन क्यों? आप चैत्यालय जी से सीधे घर ही जाते हो, और घर से सीधे चैत्यालय आ जाते हो, किसी ने आपको बांध तो रखा नहीं कि सीधे वहीं छूटे जाते हो, फिर क्यों? हम स्वतंत्र हैं कि बंधे हुए हैं? स्वतंत्र है। हमारा पुद्गल परमाणु स्वतंत्र, पुद्गल इस पुद्गल परमाणु में जो अनंत अनंत परमाणु है वो भी स्वतंत्र, और स्वतंत्र अपनी क्रियावती शक्ति से अपना अपना काम स्वतः करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते। अब क्या होता है इनमें? एक बंधन होता है बहू जी। क्या होता है? एक बंधन होता है कि पुद्गल के दो भेद कौन कौन से? परमाणु, स्कंद। परमाणु समझ में आ गया कि जिसका एक दूसरा भी भाग ना हो सके, उस सूक्ष्म द्रव्य को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जिसका एक दूसरा विभाग ना हो सके, दो टुकड़े करी ना सके, इतना। और स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंधन को स्कंद कहते हैं। तो अब बताओ बहू जी,
ये जो रेत है और रेत के कण के अंदर जो अनंत परमाणु है वो एक दूसरे से बंधे हुए कि नहीं? अभिजीत, बंधे कि नहीं बंधे। अच्छा ये बताओ, मेरे सामने ये माइक रखा है, इस माइक में अनंत पुद्गल परमाणु विराजमान है, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे छोटे, अब सारे एक दूसरे से बंधे हैं कि नहीं? नहीं बंधे। अगर नहीं बंधे तो ये तो बिखर जाए, हम इसको पकड़ें और हमारे हाथ में केवल इतना सा अंश है, बाकी गिर जाए। पकड़े हुए तो है। ये मैंने उठाया तो देखो पूरा आया कि नहीं, पूरा आया कि नहीं? लेकिन बताओ ये पूरा आया तो एक द्रव्य है कि अनंत गुण है, अनंत परमाणु है इसके अंदर? तो अगर अनंत परमाणु है और ये मैंने उठाया तो मात्र इतने ही परमाणु हाथ में आने चाहिए ना, ये पूरा एक स्कंद रूप हाथ में क्यों आया? क्या बंधे हुए। लेकिन अभी मैंने एक बात ये कही थी कि सारे स्वतंत्र हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंध सकता ही नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप हो सकता ही नहीं, और एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप हो सकती नहीं। ये कैसा जैन धर्म है भाई, दो दो बात करता है तो कंफ्यूज कर देता है। हमें तो बंधा हुआ दिखाई दे रहा है और वास्तव में एक एक कणु अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है। तो इसके अंदर एक बंधान है, क्या है? एक बंधान। बंधान मतलब इनके अंदर आपस में एक ऐसा बंध है जिससे ये सजातीय रूप से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, और वो दो प्रकार से बंधान होता है, स्निग्ध एक रूक्ष। स्निग्ध बोलते हैं चिकनाहट को, चिपचिपी चीज को, और रूक्ष बोलते हैं खुरदुरी चीज को, ठीक है ना। देखो हम लौकिक में जो भी पदार्थ चिपकाने वाले कार्य करते हैं उसमें हम गम लगाते हैं। अभिजीत, अपन जिनवाणी सजाते हैं तो गम लगाते हैं चिपकाने के लिए, तो वो है क्या है? स्निग्ध, है ना। और जैसे कोई जिनवाणी बहुत, उनका कवर बहुत चिकना होता है बहुत, तो क्या होता है उस पर गम काम नहीं करती, तो हम पहले उसको क्या खुरदरा करते हैं कि नहीं, तो रूक्ष करते हैं। क्या करते हैं? रूक्ष। तो उसके कारण भी वो चीज चिपक जाती है। ऐसे ही दो आपस के द्रव्यों में एक स्निग्ध और रूक्षात्व संबंध रहता है जिससे दो द्रव्य आपस में चिपक जाते हैं। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, आपस में चिपक जाते हैं लेकिन उनके एक रूप चिपकने की पर्याय को द्रव्य कहते हैं, वास्तव में वे दो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, चिपकते नहीं है, उनका चिपकने का कारण नहीं है। हमारा शरीर और हमारा आत्मा, बताओ एक दूसरे से चिपका है कि नहीं? एक क्षेत्रावगाह संबंध है कि नहीं? लेकिन जब यह जीव अपना समय आने पर, काललब्धि आने पर, एक मिनट के एक सेकंड के अंदर शरीर को छोड़ देता है, तो तब मुझे पता चलता है कि अरे ये जीव तो अलग था और शरीर अलग था। आई बात समझ में? लेकिन एक क्षेत्रावगाह रूप से हमें एक दिखाई देता है, इसके अंदर भी एक बंधन है।